हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होगे। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर सोल ट्रेडर, और जल्दी से इसको स्टार्ट करेंगे और जल्दी इसको आज ही हम लोग ख़त्म भी कर देंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो सोल ट्रेडर, सोल का मतलब क्या है, ट्रेडर का मतलब क्या है। सोल का मतलब अकेला, ट्रेडर मतलब जो भी आपका बिजनेसमैन होता है, ठीक है। तो सोल मतलब सिंगल, ट्रेडर मतलब जो बिजनेसमैन है। तो सिंगल बिजनेसमैन, समझ रहे हो, जो सिंगल बिजनेसमैन है, जो अकेले बिजनेस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर। क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर। ऐसा पर्सन जो अकेले बिजनेस कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडर। अब देखो क्या होती है, मीनिंग देख लेते हैं। सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली फॉर हिमसेल्फ। सोल ट्रेडर इज अ पर्सन होता है। सोल ट्रेडर कौन होता है, एक पर्सन होता है, एक इंसान होता है, जो कि सारा बिजनेस क्या करता है, अकेले करता है। किसके लिए करता है, खुद के लिए करता है। जैसे सब्जी वाले होते हैं, है ना, देखा है आपने, सब्जी बेचते हैं, या फिर उनके छोटे मोटे किराने की शॉप है, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, वो किस में जाते हैं, सोल ट्रेडर में जाते हैं। ही अलोन अकेला होता है, इस्टेब्लिशेस द बिजनेस, अकेले बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, अरेंज एंड इट्स फाइनेंस, मैनेज इट्स अफेयर्स एंड बियर्स ऑल इट्स रिस्क। जितने भी पैसे लगाता है खुद से लगाता है, अकेले इस्टेब्लिश करता है, जितने भी उसके फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, सारा प्रॉफिट अकेले ले जाता है, और अगर लॉस होता है तो बियर्स ऑल इट्स रिस्क। जितने भी लॉस है, जितने भी रिस्क होते, भाई बिजनेस में रिस्क तो होता है ना, पढ़ते आ रहे हो सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर से, तो जितने भी रिस्क होते अकेले बियर करता है। भाई अकेले फ़ायदा ले जाएगा तो अकेले क्या है, रिस्क भी बियर करना पड़ता है। सोल ट्रेडर कौन है, एक ऐसा बिजनेसमैन, एक ऐसा पर्सन जो अकेले सारे बिजनेस को करता है, और सारे के सारे प्रॉफिट खुद लेता है, सारे के सारे लॉस अकेले लेता है, सारी लाइबिलिटी उसकी, सब कुछ उसका है, कोई रोकने टोकने वाला उसका नहीं होता है, टोटल फ्री होता है। जब मन चाहता है दुकान खोलता है, जब मन चाहता है दुकान शटर डाउन कर देता है। तो उसके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, वो तो फ़ायदे नुकसान तो हम लोग भी मेरिट्स और डीमेरिट्स में देख लेंगे। इतना समझ में आया सोल ट्रेडर कौन होता है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको सोल ट्रेडरशिप भी बोल सकते थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। देखो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर वो होता है जो बिजनेस को करता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जो बिजनेस अकेले किया जा रहा है, मतलब उस बिजनेस को अकेले जो हैंडल कर रहा है, भाई बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, और उस बिजनेस को चलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप एक वो बिजनेस है ओनरशिप विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन, जो कि एक सिंगल पर्सन की तरफ से हैंडल किया जा रहा है। क्लियर हो गया, इजी है ना, मीनिंग आ सकती है दो नंबर में, तो ध्यान से देख के जाना। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर वन पर है बेटा सिंगल ओनरशिप, क्या है, सिंगल ओनरशिप। सोल ट्रेडर जो होता है उसकी ओनरशिप क्या होती है, पहला फीचर्स क्या है, सिंगल ओनरशिप होती है, कोई पार्टनर नहीं होता उसका, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, सब कुछ प्रॉफिट वही लगाता है, जब मन चाहता है शॉप ओपन करता है, जब मन चाहता है बंद करता है, पूरा का पूरा एक ही मालिक होता है, सिंगल ओनरशिप होती है। नंबर टू, वन मैन कंट्रोल। कंट्रोल किसके हाथ में होता है, एक आदमी के हाथ में कंट्रोल होता है, और जो पर्सन कर रहा होता है वो कौन होता है, सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर के ही हाथ में सारा कंट्रोल होता है, कितना पैसा लगाना है, कितना नहीं लगाना है, किसको जॉब में रखना है, किसको जॉब में नहीं रखना है, सारा का सारा काम उसके हाथ में होता है, वन मैन कंट्रोल होता है। नंबर थर्ड, नो लीगल एंटिटी। नो लीगल एंटिटी का मतलब होता है इसकी खुद की अलग पहचान नहीं होती है। जैसे कंपनी में क्या होता है, देखो आप लोग जानते होंगे जियो है, उसके ओनर कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं। तो मुकेश अंबानी जी और जियो दोनों में क्या है एक ही आदमी की, लेकिन दोनों में क्या है, अपनी अपनी अलग पहचान है। जियो को जियो के नाम से जानते हैं, मुकेश अंबानी के नाम से नहीं जानते। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। आपने कोई पिज़्ज़े की दुकान खोल ली, आपने मोमोज का शॉप ओपन कर लिया, बिरयानी शॉप ओपन कर लिया, आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, वो उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, कानून की नज़र में कोई पहचान नहीं। आप नाम तो उसको दे दोगे भैया कि मेरा रेस्टोरेंट है ABC रेस्टोरेंट, बट उसकी एज अ लीगल तौर पे कोई पहचान नहीं होती है। नंबर फोर्थ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। भाई जितना लॉस होगा सारा का सारा उसको अकेले बियर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपने घर से लाना पड़ेगा, लेकिन लॉस तो बियर करना पड़ेगा, बिजनेस में लॉस बहुत होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। नंबर फिफ्थ, नो प्रॉफिट शेयरिंग।
प्रॉफिट शेयर भी नहीं करता भाई। अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो प्रॉफिट क्यों शेयर करेंगे, जितना प्रॉफिट होता है सब अपने साथ लेके जाता है। ठीक, नंबर 6 स्मॉल साइज। स्मॉल साइज़ का मतलब क्या है, बिजनेस जो होते हैं सोलो ट्रेडर की वो स्मॉल साइज बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे होती हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले नहीं होते, नॉर्मली होते हैं। क्योंकि अकेले कर रहे हो तो अकेले कितना पैसा लगाओगे, तो नॉर्मली आपको जितने भी बिजनेस दिखेंगे सोलो ट्रेडर के वो स्मॉल साइज वाले बिजनेस ही होंगे। नंबर 7 नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, नो लीगल मतलब ना के बराबर है। अगर आपने रात में डिसीजन लिया आप सुबह शॉप ओपन कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो, मतलब गवर्नमेंट से आपको जाके पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब मन चाहो जाओ और स्टार्ट कर सकते हो अपना बेहतरीन तरीके से बिजनेस। क्लियर हो गया, आसान है ना। चलो आगे देखते हैं, अगली हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल ट्रेडर। फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप आपके सिलेबस में नहीं तो उसको मैंने नहीं कराया। ठीक है, आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सर, तो देखते हैं भाई ऑब्जेक्टिव मकसद क्यों करते हैं सोल ट्रेडर। नंबर 1 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का काम स्टार्ट करने के लिए, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भाई बेरोजगार है तो पैसा है अगर तो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करो। जो लोग किसी के अंडर में जॉब नहीं करना चाहते हैं वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत से लोग किसी के अंडर में जॉब करना पसंद नहीं करते, तो टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आपको रोजगार मिल जाएगा। नंबर 2 टू यूटिलाइज फंड्स। अब आपके पास पैसे पड़े हैं, आपके पास जॉब भी नहीं है बट पैसे बैंक में हैं, बैंक में आपको कितना पैसा मिलेगा, 1000 रुपये में 4 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा है ना, 40 रुपये मिल जाएगा। तो ऐसा ना हो तो जो पैसे हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल ट्रेडर का बिजनेस करते हैं। नंबर 3 इंडिपेंडेंट लिविंग। अब बहुत से लोग होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, क्या है, इंडिपेंडेंट रहना पसंद है। जॉब में क्या करोगे, आपको कंपनी की मर्ज़ी से जाना पड़ेगा टाइम पे, कंपनी की मर्ज़ी से छुट्टी होगी, संडे को भी आपको परेशान करके रखेंगे भैया संडे को ये काम करना है ये काम करना है। तो ऐसे लोग जो लोग किसी के अंडर में जॉब नहीं करना चाहते, ऐसे लोग जो किसी के अंडर में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सोल ट्रेडर का बिजनेस करते हैं। नंबर 4 टू सर्व कस्टमर। कस्टमर को सर्व करने के लिए, कस्टमर को एक प्रॉपर तरीके से आप नहीं सर्व कर सकता है। नंबर 5 इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में इक्विटेबल इक्विटी आएगी। इक्विटी मतलब देखो तो अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, लेकिन अगर आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो सोल ट्रेडर तो गरीब आदमी भी स्टार्ट कर सकता है ना, मटका बना सकता है, ग्लासेस बना सकता है, चीनी के बर्तन बना सकता है, ऐसे बहुत से काम है जो कर सकता है। तो इससे क्या होगा, इक्विटी आएगी, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो जब सोल ट्रेडर का बिजनेस स्टार्ट करोगे धीरे 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 कुछ तो इक्वालिटी आएगी, यू तो नहीं हो जाओगे बट थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके बेटा जी, सोल ट्रेडर के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, इसके हम लोग आगे देखते हैं और क्या टॉपिक बचे उसको जल्दी से कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरिट्स क्या क्या होती है, डीमेरिट्स क्या क्या होती है सोल प्रोपरेटरशिप की। ठीक है, तो पहली मेरिट से बेटा इजी फॉर्मेशन। पहला क्या है, इजी फॉर्मेशन। फ़ायदा क्या क्या है, तो पहला ये है कि जब भी आप सोल प्रोपरेटरशिप का बिजनेस करना चाहते हो तो उसका फॉर्मेशन बहुत ईजिली हो जाता है। इज फॉर्मेशन मतलब जब चाहो ईजिली स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई लीगली इतना बाउंडेड नहीं है, गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लीगली काम इतना नहीं होता है, पेपर वर्क नहीं होता है। आपने रात में फैसला लिया, सुबह दुकान लगा लो, काम खत्म, समझ में आ रही बात। नंबर 2 मोटिवेशन टू वर्क। मोटिवेशन मिलता है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए मोटिवेशन आता है। कैसा मोटिवेशन सर, देखो बेटा अकेले बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं जितना काम करूँगा, मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा पैसा मुझे मिलेगा, प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपको पता है कि ये काम करने से मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो काम करोगे कि नहीं करोगे, तो मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन टू वर्क। नंबर 3 क्विक डिसीजन। क्या है बेटा जी, क्विक डिसीजन। क्योंकि डिसीजन लेने में हेल्प होता है, क्यों हेल्प होता है, क्योंकि आप अकेले हो, अकेले बिजनेस कर रहे हो तो डिसीजन भी क्या कर लोगे, बहुत ही क्विकली ले पाओगे, किसी से पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 इंडिपेंडेंट कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यू आर टोटली फ्री, जैसे चाहो वैसे काम करो, कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 5 सीक्रेसी ऑफ अफेयर। सीक्रेसी ऑफ अफेयर का मतलब क्या है कि जो इसके सीक्रेट होते हैं आपके बिजनेस के वो किसी और लोग को मालूम नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं मालूम चल पाते भाई, क्योंकि एक ही आदमी है ना, तो सारे सीक्रेट किसको पता होंगे, एक ही आदमी पता होंगे, तो जो बिजनेस के सीक्रेट रहते हैं वो किसी को मालूम नहीं चल पाते, ये भी एक फ़ायदा है। नंबर 6 पर्सनल टच। इसमें आपका पर्सनल टच रहता है क्योंकि आप ही शॉप ओपन करते हो, आप ही दुकान में देखते हो, कस्टमर आते हैं उनको खुद से अटेंशन देते हो, तो वहाँ पर आपका क्या रहता है बेटा,
पर्सनल टच रहता है। क्लियर है, समझ में आई बात यहाँ तक? चल ठीक है, आगे देखो। डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रेपरशिप। डीमेरिट्स क्या क्या होती है, मेरिट्स समझ गए। अब नुकसान क्या क्या है बेटा? नंबर वन पर है लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। नंबर वन पर क्या है, कैपिटल रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। भाई एक आदमी पैसा लगा रहा है ना, एक आदमी पैसा लगा रहा है तो कैपिटल क्या रहेगा, कुछ लिमिटेड रहेगी। लाखों रुपए करोड़ों रुपए तो आप नहीं ला पाओगे ना, तो कैपिटल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। नंबर टू, लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी। मैनेजीरियल एबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मैनेजीरियल एबिलिटी का मतलब क्या है, देखो एक आदमी है जैसे मैं हूँ, मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स अकाउंट मैंने पढ़ा दिया, क्या मैं मैथ पढ़ा लूँगा? चलो मान लो कई हद तक मैथ पढ़ा लिया, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मैं पढ़ा लूँगा? नहीं, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। सबकी एबिलिटी क्या होती है, मैनेजीरियल होती है, लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी होती है। क्लियर है। नंबर थर्ड, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। इसमें लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। कैसे अनलिमिटेड होती है लाइबिलिटी, ये बताओ मुझे। देखो एक आदमी काम कर रहा है, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो सारी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो एक ही आदमी को सारा पैसा ला के रखना पड़ेगा, इसकी डीमेरिट्स है। नंबर फोर्थ, अनसर्टेन लाइफ। लाइफ क्या होती है, अनसर्टेन होती है बिजनेस की। अगर एक आदमी काम कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, बीमार हो गया, बिजनेस कौन देखेगा, कोई है देखने वाला? नहीं है ना। तो लाइफ क्या होती है बेटा, अनसर्टेन होती है। फिफ्थ इज लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है सर? बेटा लिमिटेड इसलिए होता है, उसका रीज़न ये है कि अब एक आदमी है, पैसा कितना लेके आएगा, कितना रुपए लगाएंगे, तो स्कोप इतना लिमिटेड ही रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, ये इसकी एक डिमेरिट्स होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? लास्ट टॉपिक हमारा सुइटेबिलिटी, इस यहाँ तक नोट करो, फिर आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। और लास्ट टॉपिक बेटा हमारा सुइटेबिलिटी। सुइटेबिलिटी का मतलब क्या है, देखो तो जो सोल प्रेपरशिप का बिजनेस होता है, सोल ट्रेडर का बिजनेस होता है, वो कहाँ पर सूट करता है, कहाँ पर बेस्ट होता है, कौन सी कंडीशन में हमें ये बिजनेस करना चाहिए, उसी को बोलते हैं हमने सुइटेबिलिटी। नंबर वन, वेयर द मार्केट इज लोकल। ऐसा जहाँ पर मार्केट क्या हो, लोकल हो, ऐसा काम करो जो मतलब वहाँ पे ही उस एरिया में फेमस हो, वो काम करना चाहिए। मार्केट लोकल हो, है ना, किराने आने की दुकान होती है, आपने देखा होगा, जैसे कानपुर में लेदर का बिजनेस होता है, वो हो, मतलब वो बिजनेस सूट करता है जहाँ की मार्केट क्या होती है, लोकल होती है। नंबर टू, वेयर पर्सनल अटेंशन टू द नीड्स। जहाँ पर पर्सनल अटेंशन की नीड होती है। पर्सनल अटेंशन समझते हो क्या होता है? पर्सनल अटेंशन का मतलब बेटा यहाँ पर ये होता है, जैसे मान लो कस्टमर आता है, तो कुछ जगहों पर जहाँ पर आपको पर्सनल अटेंशन देनी पड़ती है, जैसे बार्बर का हो गया, पार्लर हो गया, या आपकी कॉस्मेटिक की शॉप हो गई, तो यहाँ पर कस्टमर चाहता है कि हमको पर्सनली क्या करा जाए, ट्रीट किया जाए, पर्सनली देखा जाए, समझा जाए, उसको बोलते हैं हम लोग वेयर पर्सनल अटेंशन टू द नीड्स। नंबर थर्ड, वेयर फैशन चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली। जहाँ पर फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है ना, वहाँ पर सोल प्रोपरेटरशिप का बिजनेस बेस्ट रहता है। जैसे गारमेंट्स की शॉप हो गई, जैसे ज्वेलरी की हो गई, है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, वहाँ पर बेस्ट रहता है सोल प्रोपरेटरशिप का बिजनेस। नंबर फोर्थ, वेयर क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन आर नेसेसरी। जहाँ पर क्विक डिसीजन लेना हो या एक्शन जल्दी से लेना हो, वहाँ पर बेस्ट रहता है। नंबर फिफ्थ, वेयर रिस्क इन्वॉल्व इज नेग्लिजिबल। जहाँ पर रिस्क, इसका मतलब होता है ना के बराबर होना, जहाँ पर रिस्क ना के बराबर हो, बहुत थोड़ा सा ही हो, वो बिजनेस करना चाहिए सोल पार्टनरशिप में। ऐसा बिजनेस मत कर दो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लग जाए, तो फिर वहाँ पर आपका पार्टनर भी नहीं है, आपको सारा पैसा अकेले लगाना पड़ेगा। ये हो गया लास्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वापस सिलेबस का पार्ट है नहीं, जितना आपका है वो मैंने करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया हो। तब भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से जाओ और जाके स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से पूरा का पूरा कॉमर्शियल सीरीज पढ़ सकते हो। दो चार दिन के अंदर पूरे दो तीन चैप्टर बचे, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सके अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।